स्मादयामि मूसा वादाविर्मनि सिक्कापदं स्मादयामि मूसा। पाली सीखो भाग छः। इसमें मैं आज एक आपको बहुत छोटी मगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं। दरअसल पाली के अंदर जो शब्द थे पुराने, उनमें आधा रे ऊपर या नीचे का नहीं है। अभी तो आप आधे रे बहुत ज्यादा देखते हैं, जैसे प्रकृति के अंदर है, मर्म के अंदर है, या रुद्र के अंदर है, या अमृत के अंदर है, बहुत तरह के हैं। जैसे प्रति के अंदर है, यानी पै पे नीचे ऊ वाला रे भी लगता है, छोटे ऊ का भी लगता है, बड़े ऊ का भी लगता है, आधा डंडे का भी लगता है, ऊपर का आधा रे भी लगता है, शब्दों के बीच में भी आधे रे आते हैं। आधे रे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है आज की संस्कारित भाषा में, जो आज की संस्कारित है। मगर पाली पुरानी के अंदर आधा रे नहीं है, आधा रे गायब है। तो पाली से यहां तक आते आते आधा रे कैसे जुड़ गया और पाली के किन शब्दों के स्थान पर आधा रे जोड़ा गया, ये एक छोटी सी बात है, बड़ी कमाल की है, बड़ी यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अधिकतर लोग ये पूछते हैं धम्म में और धर्म में क्या अंतर है, वो ये नहीं पूछते कि कम में और कर्म में क्या अंतर है, या निकम्मे में और निकर्म में क्या अंतर है। यानी निकम्मा और निकर्मा, निकर्मा शब्द आपने सुना नहीं, निकम्मा बहुत सुना है। तो आपने धर्म शब्द बहुत सुना है, धम्म बहुत कम सुना है। तो आपने कम कम सुना है, सुना भी है, क्योंकि निकम्मा बोलते हैं हम उसको, तो कम, और खाली अगर जब कम बोलते हैं तो कर्म बोलते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए कि कहीं हम निकम्मा बोल रहे हैं और कहीं हम कर्मा बोल रहे हैं, यानी निकर्मा नहीं बोल रहे हैं। कहते हैं निकम्मा बड़ा पैसा है, यानी धम्म और धर्म। तो बहुत सारे लोग धम्म और धर्म की परिभाषा देते हैं, देनी भी चाहिए, क्योंकि जो धर्म है वो आते आते मैन मेड हो गया, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियम हो गए, और जो धम्म था वो दरअसल भगवान बुद्ध ने जो मटेरियल है, जो नेचर है, जो उसके गुण हैं, जो वो धारण करते हैं, उसके आधार पर बताया था। और धम्म और धर्म की परिभाषा लोगों ने हजारों लाखों में, जिससे पूछेंगे वो नई परिभाषा एक गढ़ के आपको सुना देगा। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पाली सीखो छह के अंदर है कि आधा रे कैसे आ गया संस्कृत भाषा में, और पाली में नहीं था तो पाली के किन शब्द की जगह वो आया। धम्म में आधा मैं और मैं है, जैसा आप यहां देख रहे हैं, तो आधे मैं को खत्म करके रे बन गया। जहां जहां भी आधे आधे शब्द जुड़े हुए हैं, लगभग 80% शब्दों को बदल दिया गया है। कुछों में रे आया है, कुछों में कोई और शब्द आया है, मगर अधिकतर ऐसे शब्द मैं आज आपको बताऊंगा जिनमें रे जुड़ा है, बाकी बाद में बताऊंगा। मगर आधे जो शब्द हैं उनसे काम पहले चलता था, उनको हटा के आधा रे या कोई और चीज उसमें जोड़ी गई है। कुछ शब्द बाद में भी जोड़े गए, जैसे शय शब्द पाली में नहीं है, शय होता है तो शय जोड़ा गया, और शय और आधा रे मिला के, आधा शय और आधा शय मिला के श्री वाला जो श्रेय है उसको बनाया गया, ये पाली के अंदर नहीं है। तो जैसे आप अगर ध्यान देंगे तो जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध माने बिल्कुल प्योर होता है, और शुद्ध का शूद्र बना दिया, और बाद में से भी बदल दिया, फिर शुद्ध से शूद्र कर दिया। तो ऐसे शुद्ध से शुद्ध, और शुद्ध से शुद्ध, और शुद्ध से शुद्ध, और शुद्ध से शूद्र बना के ये पूरा पूरा बदल दिया गया, यानी आज के समय में इसके अर्थ ही बदल दिए गए। शुद्ध जो होता है, प्योर जो होता है, जो शुद्ध होता है इसका मतलब प्योर होता है, और शुद्ध का मतलब गाली होगी। हालांकि शुद्ध का मतलब प्योर ही है आज भी, मगर चूंकि बदलता चला गया इसलिए लोगों ने इसको उसी रूप में ले लिया। आप इसको गाली नहीं मानेंगे तो ये फिर उसी तरह से शुद्ध और पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा, ये आपके ऊपर है। तो दूसरा शब्द आता है, आप जैसे वर्ण व्यवस्था बहुत देखते हैं, अब ये जो वर्ण व्यवस्था है इसमें जो रे लगा हुआ है वो पहले नहीं है, तो इसको बोलते हैं वन, यानी कि वे आधा ने फिर पूरा रे, यानी कि ये वर्ण हो गया, तो वन से वर्ण बना हुआ है, रे लगा है। इसी तरह से कम है जिसका कर्म बना हुआ है, और ये जो कान होते हैं इनको कर्ण बोलते हैं, कर्ण, और कर्ण को पाली के अंदर जो पुरानी भाषा है कहां से ये बना है, ये कर्ण से बना है, के रे रे से बना है, कर्ण से कर्ण बना हुआ है। इसी तरह से कत्तू का मतलब है कर्तू, जिसको कर्ता बोलते हैं, कत्तू है आधा तय और तय है तो उसको कर्ता बोलते हैं। उसी तरीके से ये चलता है, जैसे तिप के अंदर तीव्र बोलते हैं, दब के अंदर द्रव्य, दब के अंदर दर्भ, दलित के ऊपर दलित, और सहस्र के ऊपर सहस्र हो गया, वट के अंदर वट हो गया, दिट के अंदर दृष्ट हो गया, दुब्बा के अंदर दुर्वा, और मग जो होता है जिसको आप मग मार्ग बोलते हैं, वो मग है दरअसल, वो मग हो गया।
दुग्गम यानी कि दुग का हो गया दुर्ग और मैं आगे लगाया तो दुर्गम, और दुग माने हो गया दुर्ग यानी कि जिसको कहते हैं बड़ा दुर्गम काम है, इसका मतलब दुग है। और सग अगर होगा तो उसको आज के समय में स्वर्ग बोलते हैं, और अमृत को बोलते हैं अमृत, और ईसा को ईर्षा, नक को नक्र, और नग को बोलते हैं नग्न। ये आता नहीं है मगर इसको नग्न को एक तरह से उसी हिसाब से बोला जाता है। नत का मतलब है नर्त, और नत्तक का मतलब है नर्तक। निग्रोध का मतलब है निग्रोध, वटवृक्ष जिसको बोलते हैं। शुद्ध का मतलब है शुद्र, नियात का मतलब है निर्यात, और निश्चय का मतलब है निश्रय, और मिस का मतलब है मिस्र, यानी जो मिक्सड होते हैं उसको मिस्र बोलते हैं। कहते ना मिस्सी रोटी दे दे, आज भी चलता है मिस्सी रोटी दे दे, मिस्सी का मतलब है मिक्स रोटी दे दे, पंजाबी के अंदर मिस्सी बोलते हैं आज भी, और हमारे यहाँ उसको कहते हैं मिस्री रोटी दे दे यानी मिली हुई दे दे। तो हमारे यहाँ आधे शहर का नॉर्थ में इस्तेमाल हुआ मगर पंजाब में पाली आज भी चलती है, कहते हैं मिस्सी रोटी दे दे, वो मिस्री रोटी नहीं मांगते मिस्सी रोटी दे दे। वज्र माने वज्र, और वज्जन माने वर्जन, दर्शन माने दर्शन, दुर्बल का हो गया दुर्बल, और आक्रमण का हो गया आक्रमण, ऊण का मतलब हो गया ऊण, और जो इद्ध है, इद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है, इद्ध का हो गया इंद्र, और इद्धियों का मतलब हो गया इंद्रियें। इसी तरह से जो सिद्धि है, सिद्धि को बोला सिद्धि जो था वो सिद्धि हो गई, और जो रिद्धि है वो रिद्धि हो गई, यानी कि इद्धि को रिद्धि बोलने लगे, और सब को सर्व, और सिद्ध को सिद्ध हो गया। इसी तरह से आपने देखा होगा जो भद्र शब्द है, भद्र और भद्दा शब्द है, उसको भद्र बोलते हैं या भद्रा बोलते हैं, यानी कि जो भद्र शब्द है, भद्र माने बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा आचरण वाला जो व्यक्ति होता है उसको भद्र बोलते हैं, भद्र व्यक्ति जिसको बोलते हैं। तो भद्र का, भद्र का हो गया भद्र, और भद्दा का हो गया भद्रा। पेत का प्रेत, और मम का मर्म, मच्छू का मृत्यु, कपास का कर्पास, कपूर का कपूर, कदम का करदम, किच का कृत, और अग का अग। यानी जितने भी ये शब्द हैं जो आधे आधे इस्तेमाल हो रहे हैं ये रे में बदल जाते हैं, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, ऐसे अधिकतर शब्द हैं जो रे में बदले हुए हैं। कुछ रे में नहीं बदले हैं तो उनके साथ में जो जो शब्द आता है, जो बोलचाल में बदला आसान हो गया बोलना, उसको बदला गया उसके हिसाब से। यानी कि जो बदल रहा है, जो शब्द बदले जा रहे हैं, वो पाली के अंदर आधे वाले जो शब्द हैं उनको गायब करके रे ऊपर नीचे लगाया गया या कोई और शब्द लगाया गया इस तरह से। तो आप धम और धम में जब, या कम और कर्म में जब अंतर देखें, या आप शुद्ध और शुद्र में जब अंतर देखें, तो आप इसको भाषा का अंतर देखें, जो इसका अर्थ है उसका अंतर नहीं बनता है। वो अलग बात है कि सबसे पहले भाषा को मिक्स किया गया, खराब किया गया, उसके बाद उसके अर्थ को खराब किया गया। अगर आप पाली पढ़ेंगे और पाली देखेंगे और पाली सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आधे जो शब्द हैं, जो आधे के साथ जुड़े होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कमाल के शब्द हैं जो आधे रह में या किसी और शब्द में बदले गए हैं। धन्यवाद। 322 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से, या फेसबुक से, या मेरे पेज से, कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के, या ऐसा का ऐसा शेयर करके, या इसको आगे भेजकर, या इसका लिंक भेजकर, या इसमें से कोई भाषा बदल कर, या इसको प्रिंट कर, या इसको लोड कर, या डाउनलोड कर, या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर, या किसी को गिफ्ट कर, जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको
भेज देंगे। आप धम की सेवा में सहायक बने, धम आपको खूब लाभ लाभ देगा, धम आपको लाभ देगा, आप धम को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Thank you.